Right, and at the moment with us from the BJP, we have our old friend, Mr. Shailesh Pandey. Shailesh Pandey ji, namaskar. Namaskar, namaskar, Rajiv ji, namaskar. Jai Siyaram, Har Har Mahadev. Jai Siyaram, Har Har Mahadev, Bharat Mata ki Jai, Vande Mataram. Sir, kya raha, sir, kya meeting rahi, kal to maza aa gaya, sir. Shivaji Park mein, zabardast. Ji, bilkul. Matlab, khacha khach bhara hua Shivaji Park. और मोदी जी ने क्या भाषण दिया, राज ठाकरे साहब ने क्या भाषण दिया, बहुत बढ़िया, मतलब मजा आ गया सुनकर के। तो अभी ये जो ये तो ठीक है, लेकिन शैलेश पांडे साहब ये जरा बताएं, बाकी सबको तो लग रहा है कि यार देखो मोदी जी तो आ ही रहे हैं, तीसरा टर्म पक्का है, इनफैक्ट मोदी जी ने तो प्लान भी कर लिया है, जो हमें खबर मिल रही है, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं बाकी सब लोग सबको इंस्ट्रक्शन भी मिल गई हैं कि भाई क्या क्या करना है, अगली प्लान क्या है, एक साल का प्लान क्या है, दो साल का प्लान क्या है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं मोदी जी बहुत आगे की सोचते हैं, मोदी जी का ये नहीं कि आज और कल और परसों, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं वो एक इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 150 और 200 से ज्यादा सीटें नहीं आती इस बार, क्या कहेंगे आप इसको लेकर के शैलेश पांडे जी बताएं सर। देखिए ये तो विरोधियों का काम ही है इस तरह का बातें करना, सामने वाले को कम आंकना, लेकिन आपने खुद देखा होगा राजीव जी कल जो शिव तीर्थ पर छत्रपति शिवाजी पार्क में जी। जो जन फैलाब मुंबई का उमड़ा जी, देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जबरदस्त मानना पड़ेगा। और कल वहां पर सोने पे सुहागा ये हुआ, मैं तो खुद मौजूद था, मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ राजीव जी की, मैं खुद वहां पर बैठ कर पूरा भाषण आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सुना, देवेंद्र फडणवीस जी का सुना, राज साहब ठाकरे जी का सुना, एकनाथ शिंदे जी का सुना, अजीत पवार जी का सुना, सभी के, और बड़े ही आत्मीयता से मैंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की बातों को सुना और बड़ा ही भाव विभोर हुआ मैं, बड़ा ही मुझे रोमांच हुआ मेरे अंदर। और वहां पर जो लाखों की संख्या में जन सैलाब उमड़ा था, वो भी जिस प्रकार के नारे वहां पर लग रहे थे, मोदी मोदी मोदी, सारा छत्रपति शिवाजी पार्क मैदान मोदी मोदी के नारों से गूंज गया। और सोने पे सुहागा ये हुआ कि राज साहब ठाकरे जी और नरेंद्र मोदी जी 21 साल के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क में वहां पर एक साथ इकट्ठे आए और दोनों का उद्बोधन सुनने के बाद बड़े ही रोमांचित हुए महाराष्ट्र के लोग, बड़े ही एक तरह का उनके अंदर साहस और शौर्य भर गया, जिस तरह की बातें राज साहब ठाकरे और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जी। और मुंबई में जो ये बिगुल बजाया गया, मैं यकीनन कहता हूं कि 6 सीटें मुंबई की भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना अलायंस और महायुति की आ रही है। एक बार फिर कुछ भी बात कर रहे हैं, मतलब एक बार फिर 2019 में भी आई थी, मतलब अभी भी आएंगी, कहने का मतलब ये हुआ अभी भी आएंगी, 100% आएंगी और अच्छे मार्जिन से आएंगी। और सर पूरे महाराष्ट्र के बारे में क्या कहेंगे आप? सैलाब ने, जन आशीर्वाद ने ये बता दिया कि 6 की 6 सीटें बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की आ रही है। और चूंकि उसके अंदर अब मनसे के राज साहब ठाकरे जी, उनकी पूरी मनसेना और सभी उसमें बड़े ही दिलदारी से, बड़े ही आत्मीय भाव से साथ में जुड़े हुए हैं। तो शैलेश जी, पूरे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के विकास के लिए जुड़ना हुआ, तो पूरे महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं सर, 48 सीट्स। पिछली बार आपकी और शिवसेना की 41 सीटें आई थी, 41, आपकी 23 सीटें थी और शिवसेना की 18 थी, इस बार कितनी आ रही है सर वो भी बता दें। राजीव जी, मैं पूरे यकीन से कहता हूं कि इस बार हमारी 48 से ज्यादा, 48 में से 45 सीटें भारतीय मोदी साहब ने कल कहा कि ट्रिपल तलाक को हमने हमेशा के लिए तलाक कर दिया, आर्टिकल 370 को हमने, के दीवार को हमने दफना दिया, कब्रस्तान में दफना दिया, और इतना दफना दिया कि वापस नहीं, ना आर्टिकल 370 को वापस रोल बैक करेंगे, ना ट्रिपल तलाक को वापस रोल बैक करेंगे, हम यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, सीए 14 रिफ्यूजीज को सर्टिफिकेट इशू हो गया,
सीएए भी वापस नहीं आएगा कोई भी। और मोदी जी ने आगे जाके डायलॉग के हिसाब से ड्रामेटिक कहा, कोई माइकलान पैदा नहीं हुआ जो सीएए को वापस लेके आ सकता है। चैलेंज पार्टी जी बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। जी बिल्कुल, और ये जो उनका इतना साहस भरा, विश्वास भरा और निडर स्टेटमेंट रहा, वो ये देश की जनता को एक विश्वास दिलाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। क्योंकि इस वक्त कांग्रेस पार्टी और एनडी अलायंस झूठ फैला रही है पूरे देश में, और आप देखे होंगे कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम वापस आएंगे तो 370 हटाएंगे, हम वापस आएंगे तो सीए हटाएंगे। एक तरह का भ्रम कांग्रेस पार्टी पूरे देश में फैला रही है, और उस भ्रम को तोड़ने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे आराध्य छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती से दिया है, इस शूर वीर धरती से दिया है। और ये पूरे देश को संदेश दिया है कि कांग्रेस और एनडी अलायंस कितना भी चाहे कि सीए वो वापस लाएंगे या धारा 370 लाएंगे, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी होने नहीं देंगे। वो तो होता नहीं। और मुझे तो मजाक की बात, वो तो मजाक की बात है शैलेश पांडे जी, ये तो मजाक की बात है कि 370 को दोबारा लागू किया जाएगा। अरे सर, पूरा देश दौड़ा दौड़ा के मारेगा इनको, क्या बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल मारेगा। लेकिन राजीव जी, आप प्रखर और पुराने पत्रकार हैं, मुझे बताइए ना, ये कौन है, कैसे इनके दिमाग में आता है कांग्रेस के लोगों के? अब ये पता नहीं सर, इनका सलाहकार है जो इस तरह की ये तो वही जाने, वो कहते हैं ना पंजाबी में, कहते हैं तुमरी गत में तुम ही जानी। अब ये किसी को क्या मालूम क्या 370? अरे सर, पूरे देश में जो हर्षोल्लास का माहौल था जब 370 हटाया गया, अभी भी सोच करके मन जो है इतना हर्षोल्लास से भर जाता है, गदगद हो जाता है पूरा का पूरा मन जो है। क्या बात कर रहे हैं सर, आर्टिकल 370 हटाना तकरीबन नामुमकिन था, किसी में हिम्मत नहीं थी। अकेले नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने मिल करके इसको जो हटाया है, मैं कहता हूं यही काफी है मोदी जी को दोबारा वोट देने के लिए। हर एक के सामने बोलता हूं मैं तो, क्लियर कट बोल रहा हूं सर। बाकी उन्होंने भले कुछ भी ना किया हो, ये आर्टिकल 370 जो हटाया है, जस्ट फॉर दैट अलोन ही डिजर्व्स अ थर्ड टर्म। अब आप बोले सर, शैलेश पांडे जी। राजीव जी, मैं आपकी बात में जोड़ता हूँ, बहुत अच्छी बात आपने कही, मेरा दिल खुश हो गया, देश की जनता का भी आपकी बातों से दिल खुश हो गया। मैं इसी में ऐड करना चाहूंगा कि मैं जब खुद विद्यार्थी था तो मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो हमारी संघ की विद्यार्थी संगठन था, उससे जुड़ा हुआ था, और हम लोग संघर्ष करते थे, और हम लोग संघर्ष ये करते थे और तब नारा देते थे कि दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे। और हमेशा से जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। एक देश में दो विधान दो प्रधान नहीं चलेगा, दो निशान भी नहीं चलेंगे। ये सतत संघर्ष रहा हमारा, और हमारे इस करोड़ों जनता के जन का जो संघर्ष रहा, उसको संघर्ष विराम दिया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, देश के लौह पुरुष गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने, कि आज उन्होंने सही मायने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि। बिल्कुल दुरुस्त बात। मुंबई के हर प्रोजेक्ट्स को, महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट्स को एमवीए सरकार ने डिले किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा, चाहे वो मेट्रो लाइंस हो, बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट हो, एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट हो, कॉरिडोर के प्रोजेक्ट हो, आपने लटकाया, अटकाया और भटकाया। और ये देश हित में नहीं था, मुंबई के हित में नहीं था, महाराष्ट्र के हित में नहीं था, ये डिले जो आरोप लगा दिए एमवीए सरकार पर। शैलेश पांडे जी, आप इस पर क्या कहना चाहते हो, क्या ये महाराष्ट्र के हित में था? बिल्कुल, ये महाराष्ट्र के हित में नहीं था, और ये 1001% सही बात है। जब मेट्रो का काम शुरू था, इनकी महाविकास आघाड़ी की सरकार आई तो इन्होंने उसको रोका, और रोकने के पीछे कारण क्या था? कारण ये सब जानते हैं कि इन्हें कुछ न कुछ चाहिए था, या इसमें इनका क्या स्वार्थ था, ये सब जानते हैं कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त थे। और जितने भी बड़े प्रोजेक्ट थे महाराष्ट्र के अंदर, कोकण में अगर आप देखते हैं तो जब भी कोकण के अंदर, आज ये कहते हैं कि
मुंबई से महाराष्ट्र से उद्योग बाहर गए। अरे जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट केंद्र सरकार ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाया, तब तक हर प्रोजेक्ट के खिलाफ ये शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के लोग उसके खिलाफ आंदोलन पे उतर जाते थे, नहीं हम ये प्रोजेक्ट नहीं लगने देंगे, नहीं हम ये प्रोजेक्ट नहीं लगने देंगे। और उसको हटाने का काम किया, भटकाने का काम किया, रोकने का काम किया। लेकिन लेकिन जब फिर से हमारी सरकार एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में, देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में बनी, फिर आप देखें मेट्रो का काम बहुत ही तीव्र गति की रफ्तार से शुरू हो गया। आज जो सागरीय पुल का काम था वो बड़े तीव्र गति से हो गया, अटल सेतु का काम बहुत ही तीव्र गति से हुआ। आज एशिया की सबसे बड़ा सागरीय पुल बनाने का काम किसने किया? तो मोदी जी और हमारी सरकार ने किया। आज जो समुद्र के किनारे के रोड है वो बनाने का काम किसी ने तीव्र गति से किया, तो हमने किया। आज हमारे द्वारा समुद्र के नीचे पहला मेट्रो, समुद्र के नीचे पहला पुल बनाने का काम इस मुंबई शहर में किसी ने किया, तो हमने किया। मेट्रो के लिए तो देवेंद्र फडणवीस जी को मेट्रो मैन तक देश की जनता और महाराष्ट्र की जनता, मुंबई की जनता कहती है। और लेकिन सर वो आरामको का जो प्रोजेक्ट है अभी तक शुरू नहीं हुआ, बहुत काम हुआ था, लेकिन इन्होंने हर जगह उसको रोकने का काम किया। और रोकने के पीछे इनका एक ही नियत था, जैसे 100 करोड़ वसूली में इनके गृह मंत्री पकड़े गए थे कि इनको तो वसूली करनी थी। अरे इन्होंने तो उस वक्त देश के सबसे बड़े उद्योगपति पांडे जी, चलिए वो तो थोड़ा उनके खिलाफ षड्यंत्र कर दिया गया था। इनकी जो पुलिस अधिकारी थे वो पकड़े गए, जेल की सलाखों के पीछे में बंद है, वो 100 करोड़ की वसूली के चक्कर में जेल में गए। ये तो इन्होंने वसूली, आप जरा कम बोल रहे हैं, सरकार हो गई थी। अरे सर कम बोल रहे हैं आप, 100 करोड़ महीने की बात थी जी। हाँ 100 करोड़ महीने की बात कर रहा जी जी जी। लेकिन पांडे जी ये बताएं कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतनी बड़ी ऑयल रिफाइनरी हिंदुस्तान में आ रही थी, आरामको सऊदी अरेबियन कंपनी जो है जी, कोंकण में आ रही थी, सर अभी तक वो प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ है, उस विषय के बारे में कुछ बताइए ना, मतलब वो कब शुरू होगा? क्योंकि वहां पर सुनने में ये आया है कि तकरीबन 1.5 लाख नौकरियां मिलेंगी, मिनिमम 1.5 लाख जॉब्स, उसके अलावा वहां की जो इंडस्ट्री बढ़ेगी ना जाने मतलब पैसा इतना आएगा कि हम लोग गिन नहीं पाएंगे। और उस इन्वेस्टमेंट के बाद जो इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में आने वाली है वो तो बेशुमार होगी। तो क्या मोदी जी के थर्ड टर्म में वो प्रोजेक्ट फास्ट ट्रैक होगा या नहीं होगा? सर पूरे कुंकर की कायाकल्प हो जाएगी, ये बताएं पांडे जी। राजीव जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय विश्व नेता नरेंद्र मोदी जी इस देश के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि जिनके हाथों से जिस विकास कार्य का नारियल फूटा, भूमि पूजन हुआ और उन्हीं कार्यकाल में उसका उद्घाटन भी हुआ। ऐसे अनेक उदाहरण है, जैसे अटल सेतु हुआ या और भी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हाईवे के काम हुए, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के विकास के कार्य नरेंद्र मोदी जी ने उसका भूमि पूजन किया, उसका शुभारंभ भी उन्होंने किया। उसी तरह से जैसे ही देश के प्रधानमंत्री, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी, शैलेश पांडे जी, प्रियंका गांधी का कहना है कि आपके लोग विश्वास नहीं करते, आप पे इसलिए लोग विश्वास नहीं करते कि 15 लाख आपने बोला था और तो कुछ महीनों के बाद आपने कहा ये जुमला था, ये जुमला, तो आपका हर बात को लोग जुमला मानते हैं, प्रियंका गांधी। और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी कह रहे हैं हमारे जो 5 न्याय है, 5 न्याय 25 गारंटी लोगों को भाया है, महालक्ष्मी योजना 1 लाख रुपया हम गरीब महिलाओं को देंगे, 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस हम गरीब श्रमिक वर्कर्स को दे रहे, 30 लाख भर्ती जो आपने नहीं किया फर्स्ट कैबिनेट में राहुल गांधी जी करेंगे, तो ये सब लुभावना है, ये सब लोग प्रियंका गांधी का कहना चाहते हैं, ये मुद्दे की बात है। और आप हमेशा हिंदू मुसलमान करते रहते हो पांडे जी। देखिए नंबियार जी, ये कांग्रेस का जो बातें, ये हवा हवाई बातें कहता हूं, और देश हवा हवाई बातों से नहीं चलता है, देश तथ्यों से चलता है। देश की अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थनीति क्या है, उससे चलता है। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो अर्थव्यवस्था मजबूत किया है कि आज 11वें नंबर पे कांग्रेस ने इस देश की अर्थव्यवस्था को छोड़ा था, 11वें पायदान से 10वां, 9वां, 8वां, 7वां, 6वां, 5वें नंबर पर देश की अर्थव्यवस्था को लाने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और उनकी ये गारंटी है कि आने वाले 2 साल के अंदर देश, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा
अर्थव्यवस्था बनेगा, देश 2047 तक सबसे बड़ा विकसित भारत बनेगा, विश्व गुरु बनेगा, ये नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस सिर्फ तथ्यहीन हवा हवाई बात करती है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने गारंटी दी थी, गारंटी से भी ज्यादा जो नहीं बोला था वो भी करके दिखाया। देश के 25 करोड़ से ज्यादा गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर लेके आए। आज देश में 4.5 करोड़ से ज्यादा जिनके पास घर नहीं था, सर पे छत नहीं था, उनको घर देने का काम किया। देश के 11 करोड़ से ज्यादा जिनके पास शौचालय नहीं थे, उनको शौचालय बना कर दिया। देश में घर घर जल जल पहुंचाने का काम कर रहे। देश में 10 करोड़ से ज्यादा माताओं बहनों के घरों में सब्सिडी से उज्ज्वला गैस देकर उनके आंखों में लगने वाले धुओं को कम किया। देश के अंदर आज महिला सशक्तिकरण के लिए 33% का आरक्षण लेके आए। देश के अंदर धारा 370 को हटाए। देश में CAA लागू करके देश के बाहर रह रहे हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, क्रिश्चियन जो माइनॉरिटीज में हैं, जो प्रताड़ित थे, उनको देश की नागरिकता देकर उनको भी खुशहाल जीवन जीने के लिए उनको भी मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। लेकिन पांडे जी, काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने। लेकिन पांडे जी यहाँ पर आपके खिलाफ जो आरोप लगता है वो ये लगता है कि भाई उज्ज्वला गैस योजना जो है वो बहुत जबरदस्त स्कीम है, मानते हैं आपने बहुत बढ़िया काम किया, हर एक को गैस सिलेंडर दे दिया, चूल्हा भी दे दिया, लेकिन अगला गैस सिलेंडर बेचारे कहाँ से खरीदेंगे, उनकी हालत खराब है, पैसे पैसे नहीं है उनके पास अगला गैस सिलेंडर खरीदने के लिए, तो उसका क्या करेंगे वो जरा बताएं। ऐसा ऐसा नहीं है कि सभी की हालत खराब है। देखिए, आज आदमी का अगर खर्चा 1 रुपया बढ़ रहा है तो आमदनी भी 1-1.5 रुपया बढ़ रहा है, और उस आमदनी के हिसाब से वो उस पे भी ये सर्वाइव करे। आने वाले समय में हमारा हमारी सरकार, मोदी सरकार, उस पर भी और हम ज्यादा सब्सिडी कैसे दे सकते, इस पर भी विचार करेंगे। माताओं तो ये बात जरा क्लियर कर दें, ये छोटी सी बात है पांडे जी, छोटी सी बात है, हमारे दर्शकों के लिए ये बात जरा क्लियर कर दें क्योंकि इस पे जरा कंफ्यूजन है कि 400 रुपए का BPL, बिलो BPL यानी बिलो पॉवर्टी लाइन जितने लोग हैं उनको 400 रुपए का गैस सिलेंडर मिलता है जहां तक मैं जानता हूं, और 1100 रुपए का वैसे सिलेंडर है। तो ये 400 रुपए का सिलेंडर असल में मिल रहा है या नहीं मिल रहा, या जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं उनको भी 1100 रुपए देने पड़ते हैं या 900 रुपए देने पड़ते हैं या 800 रुपए देने पड़ते हैं सिलेंडर के लिए? पांडे जी, जो गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं तो उनको जो BPL प्राइस का सिलेंडर है वो उनको वही प्राप्त होता है, ऐसी मतलब 400 रुपए का, 400 400। बिल्कुल क्योंकि इसको लेकर के जब भी कोई कांग्रेस का प्रवक्ता आता है या नेता आता है इसी के बारे में बोलता है कि भाई वो 1100 रुपए का सिलेंडर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो गया, ऐसी ऐसी बातें होती है। राजीव जी, आप समझदार व्यक्ति हैं, देश की जनता भी सब समझती है, ये बार बार हमेशा दो ही बात करते हैं, महंगाई, बेरोजगारी। लोगों को लगता है कि इनको लगता है कि कोई इस पे जवाब नहीं। मैं ऐसा प्रवक्ता हूँ छाती ठोक के पूरे दम से, आप महंगाई और बेरोजगारी पे चाहिए तो, और ये जो कहते हैं हिंदू मुसलमान कहते, मैं नहीं बात करता हूँ, चलो हिंदू मुसलमान में महंगाई पे बात कर लीजिए मेरे से, बेरोजगारी पे और रोजगार पे बात कर लीजिए। आज बताइए, पहले जो लोगों की पगार थी वो पगार मतलब 10,000 थी, आज उनकी पगार 20,000 हुई है कि नहीं, डबल आपका इनकम सोर्स बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? तो उस हिसाब से महंगाई की दर भी हल्की फुल्की बढ़ी है। महंगाई भी आप अगर पहले देखेंगे तो पहले जो महंगाई थी उससे, उसकी तुलना में, कांग्रेस की सरकार की तुलना में, हमारी सरकार की तुलना में हमने महंगाई दर को भी बहुत कंट्रोल किया हुआ है। और रही बात रोजगार की, तो मोदी जी ने जैसे जितने बहुत सारे लाखों लाखों सरकारी रोजगार तो देश के युवाओं को, नौजवानों को दिया ही है, उसके साथ ही मोदी जी ने देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया है, बहुत सारे हाईवे बने, बहुत सारे एम्स बने, बहुत सारे उद्योगपतियों का शैलेश पांडे जी, आपने 16 लाख करोड़ कर्ज माफी किया है, 16 लाख करोड़ उद्योगपतियों का कर्ज माफी किया, गरीब किसान का 50,000 के लिए आप पीछे पड़ जाते हो, किसान मजबूरी से सुइसाइड कर रहा, किसान कर्ज माफ आपके एजेंडा में नहीं है, मोदी साहब के एजेंडा में नहीं है, ये एजेंडा है सिर्फ पांच राहुल गांधी जी के 5 न्याय में, जो किसान न्याय के बात करते हैं, वो किसान न्याय, किसानों को हम न्याय देंगे, किसान और पूरे GST कैसे किस प्रकार, तो ये
किसानों के प्रति आप ये दुर्व्यवहार कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हो? दुर्व्यवहार तो कर ही रहे, कांग्रेस का कहना है। मैं कांग्रेस की इस बात को सरासर झूठ का पुलिंदा मानता हूं, क्योंकि उनका बात इसलिए इस तरह से गलत है क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने देश में पहली बार किसान सम्मान निधि देने का कार्य किसी ने शुरू कराया तो वो डंके की चोट पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों को देश का रीढ़ की हड्डी मानते, किसानों के विकास के लिए, किसानों की सुरक्षा के लिए वो उन्होंने अनेक कदम उठाए। जिस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा 6,000 रुपए सालाना किसान सम्मान निधि दिया जा रहा है, उसी तरह से जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार है, राज्य सरकार के माध्यम से भी 6,000 रुपया, यानी केंद्र का 6,000, राज्य का 6,000, कुल मिलाकर 12,000 रुपया देश के किसानों को सम्मान निधि दिया जा रहा है। ये पहली बार हुआ है देश के अंदर किसानों को संबल देने के लिए, किसानों को सुरक्षित करने के लिए, किसानों को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी सुरक्षा रक्षा के लिए, उनके उत्थान के लिए। उसके साथ ही आज देखें तो जो कृषि नीति किसानों के लिए बनाई गई है देश के अंदर, चाहे वो सॉइल कार्ड हो, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड हो, चाहे किसान के लिए इंश्योरेंस की सारी व्यवस्था की गई है, ये देश में पहली बार ऐसा हो पाया। देश के अंदर कृषि क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने का काम अगर किसी ने किया तो वो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है कृषि क्षेत्र में, वरना अनुसंधान के नाम पर यहाँ पर 0/0 कांग्रेस के राज में देखा जाता था। इनके राज में तो किसान नहीं, युवा नहीं, महिला नहीं, इनको तो देश के सिर्फ और सिर्फ तुष्टिकरण नीति करने के अलावा इनको और कुछ समझ में नहीं आता था। अरे ये तो ये भी कहते थे मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे कि देश के जो संसाधन है उसका पहला हक माइनॉरिटी, और उस माइनॉरिटी में मुसलमानों का है। ये कहकर ये क्या किसानों का अपमान नहीं किया था कांग्रेस पार्टी ने? ये क्या महिलाओं का अपमान नहीं किया था कांग्रेस पार्टी ने? ये क्या देश के युवाओं का अपमान नहीं किया था कांग्रेस पार्टी ने? क्या ST, SC, OBC, दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज का अपमान नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने? आज इनका ये षड्यंत्र जो है कि SC, ST, OBC समाज का रिजर्वेशन निकालकर 5% जो कर्नाटक आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को आरक्षण दिया वो सरासर गलत है, क्योंकि देश का संविधान ये कहता है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान ये कहता है कि संविधान धर्म के आधार पर। लेकिन पांडे जी, और इन्होंने धर्म के आधार पर एक पर्टिकुलर तुष्टीकरण करने के लिए एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी को इन्होंने ये जो रिजर्वेशन दिया है, हमारी सरकार मोदी जी की आएगी वो सारे 5% के माइनॉरिटी के मुसलमानों के रिजर्वेशन, वो केस तो वैसे भी सुप्रीम कोर्ट में है सर। जो रिजर्वेशन SC, ST, OBC यानी कि दलित समाज, पिछड़ा समाज, ओबीसी समाज, गरीब है, गरीबों के लिए ये सर, वो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है सर। वो आप कर्नाटका की जो बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट केस है, उसपे वैसे भी स्टे लग गया है, वो दे नहीं पाए, उसपे स्टे लगा हुआ है। लेकिन पांडे जी भी नहीं देंगे सर जी जी, लेकिन पांडे जी ये बताएं, अब ये जो कर लिए वो कर लिए, अब इनको हम गलत पे गलत करने नहीं देंगे देश की जनता। शैलेश पांडे जी अब ये बता दें कि अभी चुनाव में ये देखा गया सर, एक सेकंड, चुनाव में ये देखा गया है कि बहुत ज्यादा तादाद में, देखिए एक तो वोटिंग का जो स्तर है वो जरा कम हुआ है, वोटिंग परसेंटेज जरा कम हुई है, मैं उम्मीद करता हूं। और फिर मेरी अपील है हमारे सभी दर्शकों से कि भैया मंडे को वोटिंग है मुंबई में, सब लोग आ जाओ, छुट्टी उट्टी जाने की कोशिश मत करना, हम भी आएंगे तुम्हारे घर में देखने के लिए कौन कौन लोग भाग गए, समझे कि नहीं, सीधा आइए वोटिंग कीजिए। ये मैं ये समझता हूं कि वोटिंग कंपलसरी होनी चाहिए, भले आप नोटा ही दबाएं, कुछ भी दबाएं, जिसने अगर वोट नहीं किया है उस पर टैक्स पेनल्टी लगनी चाहिए, ये मेरा मानना है। चलो ये तो होगा नहीं वैसे, लेकिन सर ये देखा गया है कि अल्पसंख्यक समूह जो है वो बड़ी तादाद में निकल रहा है वोटिंग करने के लिए, और ये कहा जा रहा है कि शायद इनके सबके जो वोट हैं वो सारे के सारे कांग्रेस की तरफ जाएंगे, यानी एंटी बीजेपी वोट है, तो वो कुछ खतरे की घंटी नहीं है क्या सर? पांडे नहीं, देखिए मैं देश की जो जनता है और खासतौर से मुस्लिम समाज है, मुझे ये पता है जो देशभक्त मुस्लिम समाज है, जो देश का हित चाहता है, जो अपना हित चाहता है,
वो सही मायने में नरेंद्र मोदी जी के साथ है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने कभी भी भेदभाव करके कोई भी विकास का काम नहीं किया जी। नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इस मूल मंत्र पर काम किया। नरेंद्र मोदी जी जब 3 तलाक हटाते हैं तो इसमें महिला, मुस्लिम समाज की महिलाओं की जो दुख थी, दर्द था, पीड़ा था, वो समझते हुए वो उनके दुख और पीड़ा के निवारण के लिए उन्होंने 3 तलाक हटाने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी जब रोड के हाईवे रोज के 38 किलोमीटर बना रहे तो उस हाईवे पे चलने वाला जो नागरिक है वो देश का मुसलमान भी है। नरेंद्र मोदी जी ने जब जब 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया तो उन 25 करोड़ गरीब में देश का मुसलमान भी है। जब 4.5 करोड़ जनता को, देश के नागरिकों को मकान दिया तो उसमें 4.5 करोड़ में मुफ्त में मकान पाने वाला हमारा मुसलमान भाई बहन भी है। देश में जो घर घर में जल जा रहा है, पानी जा रहा है, उज्ज्वला गैस जा रहा है और देश के बहुत सारे योजनाएं हैं, अल्पसंख्यक समाज की भी योजनाएं हैं, वो देश के प्रधानमंत्री ने उनके लिए भी दिया। देश के अंदर आज अल्पसंख्यक समाज के लिए वजीफे में वृद्धि की, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने, आप अल्पसंख्यक मंत्रालय का वो घोषणा पत्र, उनका एजेंडा, उनका मिनट आप उठाकर देख लीजिए, आज वो आंकड़े देख लीजिए कि कितना उनके पढ़ाई में। यहाँ पर एक चीज है पांडे जी, पांडे जी जो आपने कहा वो तो बिल्कुल दुरुस्त है। जो आज की तारीख में जो विश्लेषक हैं, जो मोदी की नहीं नारा दिया था कि एक हाथ, पांडे जी एक सेकंड जरा सुन लें जी, जी। जो विश्लेषक हैं जो आज की तारीख में बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, प्रदीप जी सुनने वाली बात है, जो विश्लेषक हैं बोल रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मुश्किल होने वाली है, 150-200 का भी आंकड़ा क्रॉस नहीं कर रहे हैं, मतलब अब तो शायद 200 भी नहीं आएंगी, वो एक चीज को इग्नोर कर रहे हैं कि 53 करोड़ से ज्यादा जो जनधन अकाउंट खुलवाए गए उसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिल रहा है, यानी सब लाभार्थी हैं ये लोग। बिल्कुल, तो, बिल्कुल, तो वो मोदी जी के खिलाफ वोट कैसे करेंगे, ये जरा मुझे समझाया जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज देखिए ना, मुझे अभी भी याद आता है कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो 16 पैसा ही देश की जनता तक पहुंचता है, बाकी पैसा भ्रष्टाचार हो जाता है। ये उन्होंने एक्सेप्ट किया था सर, यही मुंबई में कहा था सर, यही एक्सेप्ट किया था मुंबई में, इतना बड़ा भ्रष्टाचार 1985 इतना बड़ा कांग्रेस का भ्रष्टाचार था, 1,76,000 करोड़ का स्पेक्ट्रम घोटाला, 10,000 करोड़ का कोयला घोटाला, और ये घोटालों की तो 100 घोटालों की याद ही है, मैं बोलने जाऊं तो मुझे 1 घंटा लगेगा, 100 घोटाले इन्होंने किए, इनके मंत्री जेल गए और अभी भी कितने घोटालों में ये लोग जमानत पे हैं, ये तो लोग कांग्रेस के लोग, एनडीए अलायंस के लोग जमानत पे। अब देखिए लालू यादव 4 घोटाले में जेल गए थे, जमानत पे है, अब लालू यादव उनके बेटी उनके बच्चे, अब जो नौकरी जमीन के बदले नौकरी देने के घोटाले में अभी ये केस चल रहा है कि इन्होंने रेलवे में जो नौकरियां दी थी उसके बदले में वो गरीब लोगों से उनकी जमीनें हथिया ली, ये तो डकैत हैं, चोर हैं, डकैती किया है इन्होंने लोगों से, भ्रष्टाचार किया है इन्होंने। तो ऐसे भ्रष्टाचारियों को देश की जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है, इनसे जेल के सलाखों के पीछे भी केजरीवाल जाके आए, केजरीवाल शराब घोटाले की नीति में गए, बताइए शराब में घोटाला करके देश को शराब में झोंकने का काम कर रहे हैं ये केजरीवाल। और आज तो हद हो गई कि केजरीवाल के मुख्यमंत्री निवास के अंदर एक बहन का देश के एक नारी शक्ति की साथ मारपीट होता है, और वो भी नारी शक्ति कौन है, देश की पूर्व महिला आयोग की चेयरमैन, राज्यसभा की सांसद। आज बताइए देश में एक हमारी बहन है जो राज्यसभा की सांसद है, पूर्व महिला आयोग की चेयरमैन, उसके साथ मारपीट। पांडे तो, जी मगर करप्शन के बोले कि आपके साथ जुड़ गए तो सब ठीक हो गए। अजीत पवार जी 70,000 करोड़ अलग अलग जो 50 नाम उन्होंने गिन के दिए, इंक्लूडिंग अशोक चौहान जी, कितने अच्छे अच्छे लोग जो करप्शन में, मोदी साहब ने खुद जो उंगली उठाए थे, तो ये कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल नहीं पड़ता है लोगों को कि मोदी साहब ठीक है, मोदी साहब एकदम सुथरा है, कोई उंगली नहीं उठा सकते, मगर करप्शन के बाद मोदी साहब खुद आलोचना करते हैं, वही लोग पार्टी में ज्वाइन करके और पद भी मिलते हैं, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हो, ये राज्यसभा में कोई चला गया, लोगों को कन्विंस करना मुश्किल होता है। पांडे जी आपको भी मुश्किल होता होगा।
मैं बड़े साहस से आपके चैनल पे एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, और साहस लगता है किसी भी प्रवक्ता पे बात कहने के लिए, लेकिन शैलेश पांडे एक ईमानदार व्यक्ति है इसलिए ये साहस कर रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी को चुनौती देता हूँ, आपको लगता है ना कि अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया वो भ्रष्टाचारी है, तो जिस तरीके से जो आपके मंत्री जेल गए थे, तो किसी ने हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर किया था उसके खिलाफ कोर्ट में, आप क्यों नहीं जाते किसी के खिलाफ? आप में है ना दम, दिखाइए दम। आप अपने आप को ईमानदार कहते हो और दूसरे को भ्रष्टाचारी कहते हो। अरे इनके सारे के सारे लोग भ्रष्टाचारी है, ये क्या बात करेंगे? आज दम है, जाओ। ये जवाब तो नहीं माना? नहीं नहीं, जी, प्रदीप जी ने आपसे पूछा अजीत दादा पवार के बारे में, छगन भुजबल साहब के बारे में, हसन मुशर्रफ साहब के बारे में, अरे बहुत। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो 70,000 करोड़ वापस आ गए, जीरो टॉलरेंस की नीति, और ये सिर्फ अटकाने भटकाने लटकाने का काम, किसी बात को उसको गोल गोल करने कांग्रेस और एनडी अलायंस कर रही है, देश की जनता ये। अरे सर पांडे जी ये तो बता दो, 70,000 करोड़ जो आरोप लगा था अजीत दादा पवार जी के ऊपर, उनके बैंक के ऊपर और इरिगेशन स्कैम के ऊपर, तो क्या वो वापस आ गए पैसे? ये तो बता दो सर। देखिए सर, मैं फिर से वही बात, मैंने जो पहले जवाब दिया वही बात दोहराऊंगा। आपको लगता है ना, तो आप जिस तरह का वहां जो प्लेटफॉर्म होता है वहां पे आप चुनौती दीजिए उस विषय को। और रही बात बीच में अजीत पवार के कुछ विषय को, महाराष्ट्र सरकार ने भी और जो अथॉरिटी है उन्होंने भी उसमें उनको क्लीन चिट दी हुई है, इसलिए विषय वहीं पे खत्म हो जाता है। और जो विषय खत्म हो चुका है उसको बार बार उठाकर उसको सिर्फ एक भ्रम, भुजबल साहब का भी विषय खत्म हो गया सर, भुजबल साहब की तो फाइल ही खो गई। और मैं तो उनसे ये बात सुनने का कोई भी मुझे मतलब नहीं रखता हूँ, जो कि समूचे भ्रष्टाचार। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता पांडे जी, ये सवाल मैं दिल से पूछ रहा हूँ आपसे, ये याद रख लीजिए, अंदर से पूछ रहा हूँ, अंदर की मेरी खुद की आत्मा की आवाज पूछ रही है आपसे। सर बीजेपी ने बहुत जबरदस्त काम किए हैं, मोदी जी ने बहुत, कोई हाथ नहीं पकड़ सकता उनका पिछले 5 साल में जो उन्होंने अचीवमेंट करी है, सीधी बात। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो इन सब लोगों की आपको जरूरत क्या पड़ गई? सर आप तो खुद ही सक्षम है, 2014 के बाद जब 2019 में चुनाव हुए, हमने खुद बोला, ये तो मेरे खुद के शब्द हैं देवेंद्र फडणवीस जी को, बड़े पुराने दोस्त हैं मेरे, सबसे पहली बार देवेंद्र फडणवीस जो टेलीविजन इंटरव्यू उनका था वो मेरे शो में आया, आरके वी शो में, सहारा में, सबसे पहला इंटरव्यू था उनका देवेंद्र फडणवीस जी का जब वो नागपुर में थे। सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो जो चीज़ मैंने उनको कही थी, मैंने कहा सर आप अकेले लड़िए, आपको किसी की जरूरत नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ, अगर आप 2019 में अगर आप अकेले लड़ते ना तो आपको 170 सीटें आती, किसी की जरूरत नहीं थी आपको, अभी भी मैं बोल रहा हूं और दिल से बोल रहा हूं, आज भी आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। इन लोगों को साथ में क्यों इकट्ठा किया हुआ है पांडे जी, ये जरा समझाइए मुझे, ये जितने भी लोग हैं आपके किस काम के, अब बताएं सर। अब आप बोलिए, देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं, बड़े ही गंभीर और संवेदनशील नेता हैं, उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र में जो विकास कार्य हुआ इसलिए महाराष्ट्र का उनको विकास, बिल्कुल दुरुस्त बात। और राजीव जी, देवेंद्र जी आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे, बिल्कुल है। जी। और राजीव जी आपने जो बात कही है, ये आपके बात को चैनल के माध्यम से देवेंद्र जी भी देख रहे होंगे और देखेंगे चुनाव के बाद, और मैं आपके इस विषय को देवेंद्र जी तक पहुंचाऊंगा कि राजीव जी ने ऐसा कहा है, देवेंद्र जी आप इस विषय पे ध्यान दीजिए, और वो ध्यान अवश्य देंगे। लेकिन मैं एक प्रवक्ता के तौर पर मैं मेरी बात इसमें जोड़ते हुए ये कहूंगा, राजीव जी आज नरेंद्र मोदी जी हमेशा ये कहते हैं कि ये 10 साल का उनका जो टर्म था, ये वो जो काम किया है वो तो एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, अभी आने वाले, आई होप सो सर, वी एक्सपेक्ट सो, हमारी अपेक्षा भी यही है, काम करने, सुनिए ना 10 सेकंड सर, 10 सेकंड क्यों टाइम लीजिए, हमारे पास बहुत टाइम है सर, बहुत टाइम है, बोलिए 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 जी। आने वाले टर्म में देश में बहुत सारे बहुत बड़े बड़े काम करने जी, और बड़े कामों करने के लिए हमें भी बड़ी संख्या की आवश्यकता है, इसीलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि 400 पार। और साथ में ही जब देश का भविष्य हमें और अत्यधिक उज्ज्वल करना है, भारत माता को 2047 तक संपूर्ण विकसित भारत बनाना है, देश को विश्व गुरु भारत बनाना है,
तो हमें बड़े आंकड़ों के बड़े गणित की आवश्यकता है। तो उसके लिए अगर कोई भी पार्टी कोई भी गठबंधन में सामने से आकर हिस्सा बनता है या किसी को हम ले पाते हैं तो ये समय की स्थिति परिस्थिति काल की आवश्यकता होती है। ये राजनीति की रणनीति और कूटनीति होती है कि हम अपने पक्ष को किस तरह से अत्यधिक मजबूत कर सके और हम मजबूती के साथ, क्योंकि अभी भी मुझे ऐसा लगता है कुछ काम, मैं बड़ी बेबाकी से आपके चैनल पे बोल रहा हूं, इस देश के अंदर आप मुझे बताइए, श्री राम जन्मभूमि मंदिर जहां हमारे आराध्य पैदा हुए उनकी जन्मभूमि पे संघर्ष 500 वर्षों तक चला, कोर्ट कचहरी 50 वर्षों तक चला, और यही कांग्रेस वाले सुप्रीम कोर्ट में जाकर एफिडेविट दायर करते हैं कि भगवान राम का अस्तित्व नहीं है, राम सेतु का अस्तित्व नहीं है, राम सेतु को तोड़ दिया जाए। तो जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके द्वारा भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर का निर्माण किया गया, तो वही तभी संभव था जब हमारी मेजोरिटी थम्पे में थी। और अयोध्या की मेजोरिटी के लिए अभी काशी बाकी है, मथुरा बाकी है, अनेक मंदिर बाकी है जहां हमारी लड़ाई सर, है। पूरे मलाबार कोस्ट पे कोई 200 के करीब शिवालय हैं और शिव मंदिर हैं जो कि टीपू सुल्तान ने तोड़े थे, उनको हाँ। वापस रिपेयर करना है। बिल्कुल, बहुत बड़ा काम है सर। लेकिन एक चीज के लिए मैं आपको बता दूं, लेटेस्ट फिगर मेरे पास आया है अभी, कांग्रेस ने सर लेटेस्ट फिगर अभी आया है, आपको सुनकर बहुत खुशी होगी प्रदीप जी, सुनने वाली बात है। यस यस, दिस इज फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक का लेटेस्ट फिगर है, द इंडियन इकोनॉमी हैज नाउ क्रॉस्ड $4 trillion, इट इज नाउ एट $4.112 trillion, जस्ट बिहाइंड जापान विच इज एट $4.291 trillion। और अगर यही ट्रेंड रहा तो सितंबर अक्टूबर तक इंडिया विल बी द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, चौथी, पांचवी नहीं सर, चौथी चौथी चौथी, अभी पांचवी है, वी विल ओवरटेक जापान बाय सितंबर अक्टूबर, दैट विल बी, वी विल बी द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बाय सितंबर अक्टूबर, राइट। थैंक यू वेरी मच पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगले साल हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे जी, और हम सभी को मिलकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर से प्रधान सेवक प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, ताकि हम देश को जल्द से जल्द तीसरी अर्थव्यवस्था बना सके, भारत माता को विश्वगुरु बना सके और देश को 2047 तक संपूर्ण विकसित भारत बना सके और हम एक मजबूत मजबूत देश निर्माण कर सके। जय सिया राम सर, जय सिया राम, हर हर महादेव, जय सिया राम, हर हर महादेव, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, राइट, दैट्स इट, दैट्स ऑल वी गॉट फॉर यू इन टुनाइट शो, ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू मिस्टर शैलेश पांडे, द लास्ट शो बिफोर द वोटिंग टेक्स प्लेस, प्रदीप जी ऑन मंडे, बिल्कुल, आई होप यू विल बी वोटिंग, आई विल बी वोटिंग, एवरीबॉडी विल बी वोटिंग, आई होप ऑल ऑफ यू गाइस आर गोना बी वोटिंग, यस यस, ऑन मंडे, मंडे इज द डे ऑफ वोटिंग in Mumbai. That's it, that's all we've got for you in tonight's show from both Pradeep ji and myself. Aap sab logon ko Jai Hind, Jai Maharashtra, Jai Bhavani, Jai Shivaji, Vande Mataram. Vande Mataram. Aur wo ghanti bhi baj gayi hai na, wo subscribe kar lo. Samajh gaye? Ji, please subscribe to the channel. Thank you so much. Subscribe kijiye, apne comments bhejiye Tuesday ko, varna Wednesday ko main aapke comments bhi zarur padhunga yahan pe. And that's it. That's all we've got for you in tonight's show from both Pradeep ji and myself. Aap sab logon ko Jai Shri Ram, Har Har Mahadev. Har Har Mahadev. Vote karna na bhuliye. Vote kijiye Monday ko. Exercise your rights.